अस्सलाम वालेकुम जी सो वी आर स्टार्टिंग विद द लोगो डिज़ाइन प्रोसेस कि लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसका क्या प्रोसेस है और लोगो डिज़ाइन प्रोसेस से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के ब्रांड आइडेंटिटी और लोगो में क्या डिफरेंस है आपका थॉट प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर डिज़ाइनिंग अ लोगो और थॉट प्रोसेस के लिए यू नीड टू लर्न द आर्ट टू डिज़ाइन अगर हम ब्रांड और आइडेंटिटी की बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंस है सो so, यहाँ पे हम लिखते हैं जी ब्रांड सो व्हाट इज़ अ ब्रांड ब्रांड इज़ इमेज एज अ होल जब भी आपके जहन में किसी कंपनी का नाम आता है तो आप उसके बारे में क्या फील करते हैं आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं दैट इज़ वट द ब्रांड इज़ ऑल अबाउट अगर आपके सामने एक लोगो आता है सो so, ये एप्पल का लोगो है सो वट डू यू थिंक अबाउट दिस कंपनी वट डू यू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी सो इनका एक स्लोगन है थिंक डिफरेंट क्योंकि दे आर इनोवेटिव इन द फील्ड ऑफ uh, कंप्यूटर्स जब पहला स्मार्टफोन आया एप्पल ने ही उसको इंट्रोड्यूस किया और एंड दैट इनोवेशन ब्ल्यू द माइंड ऑफ द पीपल जिन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि एक फ़ोन और एक कंप्यूटर आपस में मिल के एक यूज़फुल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं सो एप्पल डिड दैट और आज भी आप जितनी भी इनोवेटिव चीज़ें देखते हैं मार्केट में जो नया ट्रेंड होता है एप्पल ही उसको इंट्रोड्यूस करता है और बाकी कंपनीज़ उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता अडोप्ट करती हैं सो so, अगर हम एक और कंपनी uh, की बात करें दैट इज़ कोका कोला सो इनका एक स्लोगन है ओपन हैप्पीनेस तो इनके आप जितने भी एड्स देखें, uh, देखें आप इनकी प्रोडक्ट्स देखें आप कमर्शल्स को देखें सो so, ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि कोका कोला पीने से यू विल फील हैप्पी सो इनका स्लोगन भी कुछ इस तरह से है कि ओपन हैप्पीनेस तो यहाँ पे हम एक और प्रोडक्ट देखते हैं दैट इज़ स्प्राइट तो स्प्राइट को जो एडवर्टाइज़ किया जाता है इसको पोर्ट्रे किया जाता है सो so, उसको लिंक किया जाता है थर्स्ट के साथ तो जब भी आपको प्यास लगती है सो so, पॉसिबिलिटी है कि आपके जहन में किसी अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक का नाम आए सो दैट इज स्प्राइट ठीक है तो दिस इज एक्चुअली द ब्रांड दे हैव बिल्ट ओवर द टाइम इसके बाद अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी इज एक्चुअली द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरऑल ब्रांड ठीक है आ, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी को लिख लेता हूँ ठीक है डेंटिटी और आपके सामने एक मैं एग्ज़ाम्पल ओपन करता हूँ सो so, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ किसी कंपनी का लोगो नहीं है किसी कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है लेकिन स्टिल यू कैन रिकगनाइज़ कि ये जो विजुअल एलिमेंट्स हैं ये किस कंपनी की तरफ से हैं येस यू हैव गेस्ट इट राइट कि ये कोका कोला के विजुअल एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? मैं आपके सामने एक और पिक्चर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी किसी कंपनी का लोगो नहीं है नाम मेंशन नहीं है बट यू कैन स्टिल रिकगनाइज़ कि ये विजुअल जो एस्पेक्ट है दैट इज़ फॉर द कोका कोला कंपनी सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड के वो जो भी विजुअल एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो विद टाइम उनको कंसिस्टेंट रखे ताकि जब भी एक कस्टमर जब भी एक व्यूअर उसको देखे तो उसको पता चले कि हु इज़ एक्चुअली डिलीवर्ड दिस मैसेज और उसका आपके ब्रांड के साथ आपकी कंपनी के साथ एक कनेक्शन बन सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके विजुअल एलिमेंट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो यहाँ पे हम लोगों की तरफ आते हैं सो लोगो इज़ द सिंपलेस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड ठीक है अब लोगों का मतलब ये नहीं है कि इसको बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इस पर आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करें इसमें कोई मैसेज होना चाहिए इसका ये मकसद नहीं है इसका मस, मकसद है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज़ अ लोगो ठीक है आप कहीं पे कोई छोटा सा मार्क प्रेजेंट कर दें तो लोग उस मार्क को देख के अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो मैसेज है ये मैसेज कौन से ब्रांड की तरफ से है ये प्रोडक्ट कौन एडवर्टाइज़ कर रहा है वो सिर्फ़ इस छोटे से आइडेंटिफिकेशन मार्क से आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के बारे में जान सकें अब एक मिसकॉन्सैप्शन है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं ठीक है मैं यहाँ पे कलर्स को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा कि जितने भी हमारे पास विजुअल डिज़ाइनर्स हैं दैट डिज़ाइनर्स एक्चुअली बिल्ड अ ब्रांड ये एक मिसकॉन्सैप्शन है कि डिज़ाइनर्स ब्रांड को बिल्ड करते हैं डिज़ाइनर्स सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड की जो फीलिंग्स हैं एक ब्रांड का जो विजुअल एस्पेक्ट है ये सिर्फ उसको डिज़ाइन कर सकते हैं डिज़ाइनर्स ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते ब्रांड हमेशा उस कंपनी की सर्विस या उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और लोगों के उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं वो चीज़ ब्रांड को बिल्ड करती है लेकिन जो उसका सिर्फ विजुअल एलिमेंट है जो विजुअल एस्पेक्ट है वो एक डिज़ाइनर अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है तो अगर हम लोग गुड लोगो डिज़ाइन की कुछ क्वालिटीज़ डिस्कस करें तो मेरे पास कुछ यहाँ पे टेन टिप्स हैं जो कि एक अच्छे और गुड लोगो में होना लाजमी है इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम विद द लोगो डिज़ाइन प्रोसेस तो आपने कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं ताकि आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकें सो द लोगो शुड बी सिंपल आप जितना लोगो सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है Uh, कई दफ़ा कोशिश की जाती है जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स लोगो डिजाइन किए जाएं उसमें आपको एक एलिमेंट भी नज़र आ रहा है उसमें कुछ और विजुअल एस्पेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं और उसमें मज़ीद डिटेल्स भी ऐड की जा रही हैं उस लोगों को ख़ूबसूरत बनाने के लिए लेकिन ये चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि द लोगो शुड बी वेरी सिंपल क्योंकि इसमें सब कुछ प्रेजेंट नहीं करना अक्सर क्लाइंट्स भी ये गलती करते हैं वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर ही हमारा मैसेज भी पोर्ट्रे हो जाए हमारी प्रोडक्ट भी नज़र आ जाए हमारा जो स्लोगन है वो भी इसी लोगों के अंदर हम दिखा दें इसके अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो भी किसी तरह हम लोग किसी मैसेज के थ्रू लोगों के थ्रू ही उसको रिफ़्लेक्ट कर दें बट हमने अभी देखा कि लोगो एज़ एक्चुअली द सिंपलेस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड ठीक है तो आप उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है लेकिन उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए उसमें कोई मैसेज हो जाए तो दैट्स गुड तो हम लोग डिफरेंट लोगों की टाइप्स भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा लोगों के अंदर कोई मैसेज भी हो आ, आप एक सिंपल कोई भी आइडेंटिटी डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट uh, आते हैं सो द लोगो शुड बी टाइमलेस तो लोगों को टाइमलेस बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कभी भी डिजाइन के ट्रेंड्स को फॉलो ना करें डू नॉट फॉलो द डिज़ाइन ट्रेंड्स क्योंकि हर साल डिज़ाइन के ट्रेंड्स चेंज होते हैं सो so अगर इस साल कोई ट्रेंड है कि लोगोज में ग्रेडियंट्स यूज़ किए जा रहे हैं या डिज़ाइन में ग्रेडियंट्स यूज़ किए जा रहे हैं और आप अपने लोगों में ग्रेडियंट्स यूज़ कर लेते हैं तो वो उस साल के लिए तो वो मे बी इट कैन इट कैन बी कंसिडर्ड अ गुड लोगो बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ टाइमलेस लोगो क्योंकि अगले साल एक नया ट्रेंड आ जाएगा और आपको अपना लोगो चेंज करना पड़ेगा सो मेक श्योर कि आप लोग करंट जो डिज़ाइन ट्रेंड्स होते हैं उसको फॉलो ना करें इसके बाद लोगों शुड भी क्रिएटिव कोशिश करें क्रिएटिव आइडियाज़ uh, निकाल के लेके आएं आएँ मैं आपके साथ एक पूरा प्रोसेस शेयर करूँगा दैट हाउ यू कैन ब्रिंग योर क्रिएटिविटी और आप डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे अपने डिज़ाइन में लेके आ सकते हैं सो ब्रिंग योर क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ लोग को डिज़ाइन करें इसके बाद अगर आप लोग टेक्स्ट लोगोस पे काम कर रहे हैं वर्ड मार्क्स पे काम कर रहे हैं सो इट्स वेरी नेसेसरी के उसको रीड करना आसान हो उसको पढ़ना आसान हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी ठीक है सो एक्चुअली आप जैसे ये पढ़ा जा रहा है वही उस कंपनी का नाम है वीज़ा जैसे ये पढ़ा जा रहा है वही इस कंपनी का नाम है सो so अगर यहाँ पर कुछ इसको आई को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता कि ये एल बी पढ़ा जाता और ये आई भी पढ़ा जाता सो दैट इज़ नॉट ए रीडेबल लोगो तो जब भी आप वर्ड मार्क्स पे काम करें तो ऐसा लोगो डिजाइन करें कि उसमें कोई एम्बिग्युटी नहीं होनी चाहिए वो दो तरह से ना पढ़ा जाता वो एक ही तरह से पढ़ा जाता ठीक है जारा सो इट्स दे आर वेरी ईजी टू रीड कैनन राइट नेक्स्ट पे आते हैं जी इसके बाद द लोगो शुड बी अडॉप्टिव तो आप जो भी लोगो डिज़ाइन करते हैं अब अगर हम आजकल के आ, डिजिटल मीडियाज़ की बात करें तो आपका लोगो एक मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यूज़ होगा आपका एक लोगो वेबसाइट पे भी यूज़ होगा आपका एक लोगो किसी अपनी प्रोडक्ट पे भी आप यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल सैमसंग अपने किसी टीवी सेट के ऊपर यूज़ करता है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूज़ करता है इसके अलावा जी आपका लोगो किसी बड़े बिलबोर्ड पे भी यूज़ होगा और आपका लोगो किसी एडवर्टीज़मेंट वीडियो ऐड के अंदर या किसी और एड के अंदर भी इस्तेमाल होगा सो so, आपका लोगो ऐसा होना चाहिए कि जब उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं या उसका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है सो इट शुड रिमेन रीडेबल राइट इट शुड रिमेन अंडरस्टैंडेबल उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है द लोगो शुड बी रिस्पॉन्सिव अगर आजकल जैसे हमने ऊपर बात किया जो डिजिटल मीडियम्स हैं तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिव लोगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को देखें तो उसमें आपको ऊपर जो फेव आइकॉन्स हैं उसके अंदर आपको छोटे से मार्क्स नज़र आएंगे अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो एप्लीकेशन का आइकॉन होता है वो वहाँ पे आपको सिर्फ़ जो मिनिमम उसका जो मिनिमल वर्जन है वो आपको वहाँ पे यूज़ करना है सो मिनिमल वरियन भी अक्सर जगह पे यूज़ होंगे और जो उसका कंप्लीट लोगो है वो भी आप अक्सर जगह पे यूज़ करेंगे सो so, इसके अलावा हमारे पास वर्टिकल लोगो भी होना चाहिए और हॉरिजेंटल फॉर्म में भी होना चाहिए राइट सो रिस्पॉन्सिव लोगोस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव लोगोस किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं इसके बाद लोगो शुड बी यूनिक इट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी क्लोज़ टू कोका कोला आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बना रहे हैं दैट आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो यू डू नॉट हैव टू कॉपी द लोगो द लोगो शुड बी वेरी यूनिक राइट right? इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी लोगो शुड बी रेलिवेंट रेलिवेंट का मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी जो सर्विस है आपका जो बिज़नेस है उससे उसको रिलेट करना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हम बर्गर किंग को देखें सो इट इज़ रिटन बर्गर किंग और यहाँ पे आपको ये बर्गर के बंज नज़र आ रहे हैं ठीक है तो अगर आप हाँ कोशिश करें कि कुछ ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करें जो कि आपके बिज़नेस के साथ उसको रिलेट करती है राइट right? जैसे कि पिन ट्रस्ट है तो पेन ड्रस में आपको ये एक कॉमन पेन नज़र आ रही है और ये उसकी थ्रेड है तो आ, आप कोई ऐसा मीनिंग कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क ऐसा यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके काम के साथ भी रिलेट करता है आपके लोगो आपकी कंपनी के नाम के साथ भी रिलेट करता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड द लोगो शुड बी वेरी क्लावर ये सारी वही चीज़ें आ जाती हैं कि द लोगो शुड बी क्रिएटिव द लोगो शुड बी क्लावर द लोगो शुड बी वेरी रेलिवेंट Uh, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फेडिक्स के अंदर एक वाइट uh, स्पेस के साथ एक एरो नज़र आ रहा है ठीक है अमेजोन के अंदर भी आपको एक बड़ा क्लेवर एक मार्क नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम ए टू जी के अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट ए से लेके प्रोडक्ट जी तक सब बिकता है ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखें स्पार्टन गॉल्फ क्लब इसका नाम है और यहाँ पे आपको एक फेस नज़र आ रहा है राइट सो द लोगो शुड बी क्लावर द लोगो शुड बी क्रिएटिव एंड द रेलिवेंट सो ये सब चीज़ें एक ही ऑलमोस्ट कैटेगरी में आ जाती हैं सो द लोगो शुड बी प्रोफेशनल लोगो ऐसा आप लोग डिज़ाइन करें कि जो आपकी कंपनी के साथ रिलेट करता है आप उसके जो मार्क्स हैं उसका ख्याल करें आप ग्रिड्स को फॉलो करें आप जो प्रॉपर फॉर्ड्स हैं उसको फॉलो करें तो बहुत चाइल्डिश लोगों नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट कलर्स आपने यूज़ किए हुए हैं आपने यहाँ पे डिफरेंट मार्क्स का ख़्याल नहीं किया गाइड्स का ख्याल नहीं किया आपने रेलिवेंट फॉन्ट्स यूज़ नहीं किया आपने बड़े चाइल्डिश फ़ॉन्ट यूज़ कर दिए और अगर आप कोई मार्क डिज़ाइन कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल Uh, उसमें भी मुख्तलिफ आप गाइड्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम गोल्डन रेशो प्रिंसिपल को देखेंगे तो आप इस पर गोल्डन रेशो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप अपने लोगों के अंदर कहाँ पर ज़्यादा वेट है कहाँ पर फोकस लेके आना चाह रहे हैं या आप इसकी मुख्तलिफ सर्कल्स को या गाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लोगो प्रोफेशनल होना चाहिए वो सब उन गाइड्स को फॉलो करें जो कि फॉलो होनी चाहिए सो so ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करते हुए यू हैव टू कंसिडर इट और ब्रांड में क्या डिफरेंस है ब्रांड इज़ ए इमेज एज अ होल आइडेंटिटी किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी है वो कोई विजुअल एस्पेक्ट हो सकता है उसका लोगो हो सकता है कोई और एलिमेंट हो सकता है और लोगो इज़ द सिंपलेस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ अ ब्रांड ठीक है एक्चुअली लोगो इज़ अ सबसेट ऑफ आइडेंटिटी सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोगो डिज़ाइन का जो इंट्रोडक्शन है सो so, हम लोग नेक्स्ट uh, से कुछ और मजीद प्रोसेस की तरफ जाएंगे और मजीद हेल्पफुल मटेरियल्स को देखेंगे कि लोगो डिज़ाइन करते हुए आप लोग किस तरह से एक बेहतर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच